मध्य प्रदेश के एक शख्स ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आपको बताता हूं कि उसने शिकायत क्यों दर्ज कराई। आदमी ने कहा कि उसने 2016 में अपनी पत्नी से शादी की। पहली रात में आदमी प्यार करने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत झिझक रही थी। उन्होंने शारीरिक संबंध को पूरा नहीं किया। बाद में भी यह कभी नहीं हुआ, क्योंकि वह आगे बढ़ने से इनकार करती रही। महिला ने बताया कि उसका मासिक धर्म चल रहा था और वह अपनी मां के घर चली गई। जब उन्होंने संभोग किया तो वह आदमी यह जानकर चौंक गया कि योनि खोलने की कोई उपस्थिति नहीं थी और पाया कि उसकी पत्नी को एक छोटा लिंग था, जैसे कि एक बच्चे का। बाद में वह व्यक्ति अपनी पत्नी को मेडिकल जांच के लिए ले गया और डॉक्टर से कहा कि उसकी पत्नी वास्तव में एक पुरुष है, क्योंकि उसे एक लिंग था। जांच के दौरान पता चला कि उसे एक मेडिकल प्रॉब्लम था। उसे इम्परफोरेट हाइमेन और कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया है। वह आदमी दंग रह गया कि उसकी पत्नी ने पहले सूचित नहीं किया, क्योंकि वह शादी रद्द कर सकता था या उसने मान लिया होता। पत्नी को ईमानदार होना चाहिए था। उसे बहुत गुस्सा आया। मैं समझाता हूं। तो इम्परफोरेट हाइमेन और कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया क्या है? तो हाइमेन क्या है? यह एक परत है जो आंशिक रूप से महिलाओं की योनि को ढकती है और वयस्क होने तक बरकरार रहती है। महिला के संभोग के बाद हाइमेन फट जाता है और खून बहता है। अब इम्परफोरेट हाइमेन या अपूर्ण हाइमेन की स्थिति के बारे में देखते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हाइमेन योनि के सामने के हिस्से को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप योनि का खुलना बंद हो जाता है। अब कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया क्या है? एक महिला के निजी अंगों में क्लिटोरिस शामिल होता है, जो महिला का कामुक अंग है, मूत्रपथ, योनि और मलाशय, यह आप सब जानते हैं। इस स्थिति में महिला का क्लिटोरिस बड़ा हो जाता है और महिला का निजी अंग नर बच्चे के अंग जैसा दिखता है। वह आदमी थका हुआ महसूस कर रहा था और उसने अपने ससुर को बुलाकर कहा कि वह अपनी बेटी को वापस ले जाए, क्योंकि उसे इस बारे में पहले नहीं बताया गया था। महिला का ऑपरेशन हुआ और उसके पिता द्वारा जबरदस्ती पति के घर में घुसने और महिला को रखने की धमकी देने के बाद वह अपने पति के पास लौट आई। बाद में उस व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह शिकायत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ग्वालियर में दायर की गई थी। उस आदमी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अदालत ने कहा, हम किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि कोई कह रहा है, कोई सबूत नहीं है। इस कारण शिकायत खारिज कर दी गई। उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
और अपनी पत्नी के सभी मेडिकल दस्तावेज जमा किए। शीर्ष अदालत ने याचिका पर विचार किया और उस व्यक्ति के वकील वरिष्ठ एडवोकेट एन के मोदी ने कहा यह विशुद्ध रूप से धोखाधड़ी का मामला है, जहां उसके मुवक्किल को इस तकलीफ के बारे में नहीं बताया गया था और एक पुरुष से शादी करने के लिए धोखा दिया गया था। मार्च 2022 को सभी सबूतों को देखते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश ने महिला से अपने पति की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। वैसे भी इस याचिका पर महिला जो भी जवाब देगी वह फिर से काफी दिलचस्प होगा। जो भी हो हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए ISH News देखते रहिए।